IDIC 38 एग्जाम यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि मैंडेटरी होता है क्लियर करना एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज पर आए अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए अब हमने IDIC 38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस की वीडियो सीरीज लॉन्च की है। इस वीडियो सीरीज में हम IDIC 38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आप उन चैप्टर्स और मॉक टेस्ट की वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IC 38 एग्जाम का फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिस पर आप क्लिक करके अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोज पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूँगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूँ अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम इस वीडियो सीरीज में IDIC 38 एग्जाम के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 2 के बारे में। अगर आपको इस वीडियो के बाद इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इसका टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट एन अपॉइंटी? द ऑप्शंस आर इंश्योर्ड इज माइनर, नॉमिनी इज अ माइनर, पॉलिसी होल्डर इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, पॉलिसी होल्डर इज नॉट मैरिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉमिनी इज माइनर। अगर इन केस नॉमिनी माइनर यानी अंडर एज है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को अपॉइंटी अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन जो सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वो अपॉइंटी को कभी नहीं दिया जाता है, वो नॉमिनी को दिया जाता है, बट जब नॉमिनी मेजॉरिटी एज पर पहुंच जाता है तब। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड्स टू नॉमिनेशन? यानी दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द ऑप्शंस आर पॉलिसी नॉमिनेशन इज नॉट कैंसल्ड इफ द पॉलिसी इज असाइंड टू द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ लोन, नॉमिनेशन कैन बी डन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और सब्सिक्वेंटली, नॉमिनेशन कैन बी चेंज बाय मेकिंग एन एंडोर्समेंट इन द पॉलिसी, अ नॉमिनी हैज फुल राइट्स ऑन द होल ऑफ द क्लेम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ नॉमिनी डज नॉट हैव एनी राइट टू होल और पार्ट ऑफ द क्लेम। आई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर फॉर द पॉलिसी टू अक्वायर अ गारंटेड सरेंडर वैल्यू फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द प्रीमियम्स बी पेड एज पर लॉ? यानी एज पर लॉ पॉलिसी होल्डर को कितने समय तक प्रीमियम्स पे करनी चाहिए ताकि पॉलिसी सरेंडर पर उसको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिले? द ऑप्शंस आर प्रीमियम्स मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, प्रीमियम्स मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, प्रीमियम्स मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एक पॉलिसी होल्डर कम से कम 3 लगातार साल तक प्रीमियम्स पे करनी पड़ेंगी ताकि जब वो पॉलिसी सरेंडर यानी विड्रॉ करे तो उसको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर पॉलिसी होल्डर 3 साल से पहले पॉलिसी सरेंडर कर देता है तो उसको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स? यानी पॉलिसी कब लैप्स हो जाती है? द ऑप्शंस आर इफ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, इफ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट, इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्रेस, इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, इफ द पॉलिसी इज सरेंडर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस। इनकेस पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे नहीं करता है टाइम पर तो उसके बाद उसे ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं पे करता है तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रेस पीरियड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी? यानी मेंशन स्टेटमेंट में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्रेस पीरियड के रिगार्डिंग सही है? द ऑप्शंस आर द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 30 डेज, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 30 डेज, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द ग्रेस पीरियड इज 1 मंथ और 31 डेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रेस पीरियड की स्टैंडर्ड लेंथ 1 महीना 31 दिन होती है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं पे करता है तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता। ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट पे द प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड डाइज ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड? यानी क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर ड्यू डेट तक प्रीमियम नहीं पे करता है और ग्रेस पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है तो? द ऑप्शंस आर द इंश्योरर विल कंसीडर द पॉलिसी वॉइड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड हेंस रिजेक्ट द क्लेम।
The insurer will pay the claim and waive off the last unpaid premium. The insurer will pay the claim after deducting the unpaid premium. The insurer will pay the claim after deducting the unpaid premium along with interest, which will be taken as 2% above the bank savings interest rate. अगर कोई पॉलिसी होल्डर ड्यू डेट तक प्रीमियम पे नहीं करता है तो उसे ग्रेस पीरियड मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए। अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे करने से पहले, तो कंपनी क्लेम पे करेगी लेकिन जो प्रीमियम रह गई थी उसका अमाउंट डिडक्ट करके। सो इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द इंश्योरर विल पे द क्लेम आफ्टर डिडक्टिंग द अनपेड प्रीमियम। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी विच ऑफ द बिलो एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। Choose the most appropriate option. The options are evidence of insurability at revival, revival of the policy leading to increase in risk for the insurance company, payment of unpaid premiums with interest, insured submitting the revival application within a specified time frame. The correct answer is option A, evidence of insurability at revival. For instance, अगर policy holder की policy lapsed हो जाती है और वो पॉलिसी को रिवाइव कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करेगी कि पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी लैप्स के टाइम पर कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन ना हो गई हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज अलाउड अंडर डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। द ऑप्शन आर सेक्शन 10, सेक्शन 38, सेक्शन 39 या सेक्शन 45। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 39। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन अलाउड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू अ पॉलिसी अगेंस्ट विच अ लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। द ऑप्शंस आर द पॉलिसी विल हैव टू बी असाइंड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, द नॉमिनेशन ऑफ सच पॉलिसी विल गेट कैंसल्ड ड्यू टू द असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, द नॉमिनीज राइट विल बी अफेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंश्योरर्स इंटरेस्ट इन द पॉलिसी, द पॉलिसी लोन इज यूजुअली लिमिटेड टू अ परसेंटेज ऑफ द पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है क्योंकि वो वाली स्टेटमेंट गलत है और बाकी स्टेटमेंट सही है। सो विद रिगार्ड्स टू अ पॉलिसी अगेंस्ट विच अ लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, द नॉमिनेशन विल नॉट गेट कैंसल्ड ड्यू टू असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि नॉमिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू असाइनमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। द ऑप्शंस आर इन केस ऑफ एब्सोल्यूट असाइनमेंट, In the event of death of the assignee, the title of the policy would pass to the estate of the deceased assignee. The assignment of a life insurance policy implies the act of transferring the rights, title and interest in the policy from one person to another. It is necessary that the policyholder must give notice of assignment to the insurer. In case of absolute assignment, the policy vests absolutely with the assignee till maturity except in case of death of the insured during the policy tenure, wherein the policy reverts back to the beneficiaries of the insured. The right answer is option D, यानि कि वो वाली statement गलत है और बाकी सभी statement सही हैं। So in case of absolute assignment, the policy vests absolutely with the assignee till maturity. In the event of death of the insured during the policy tenure, the policy will not revert back to the beneficiaries of the insured. The assignee will still be entitled to policy benefits. आइए देखते हैं हमारा final question. Which of the below alteration will be permitted by an insurance company? यानी कि दी गई ऑल्टरेशंस में से कौन सी ऑल्टरेशन इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। द ऑप्शंस आर स्प्लिटिंग अप ऑफ द पॉलिसी इनटू टू और मोर पॉलिसीज, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म, चेंज ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम विद प्रॉफिट पॉलिसी टू विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, इंक्रीज इन द सम अश्योर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी को दो या दो से ज़्यादा पॉलिसीज में स्प्लिट कर सकती है। ये तो थे IDICSE 38 एग्जाम के चैप्टर 14 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस के लेकर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो तो हमने आपके लिए एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूँ तो हम बहुत तेज़ी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर।
या फिर हमारी जेड फंड्स की एडवाइजर या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.